कितना अद्भुत है ना, भगवान पूरी दुनिया चलाते हैं। मैया अध्यक्षण प्रकृति सुते सा चरा चरा, मेरी अध्यक्षता में ये पूरी दुनिया क्या होती है, चल रही है। हाँ माप पृथ्वी सूर्य देव है ना, यमराज जी कहते हैं ना अपने दूतों को, जब उनके दूत आए कि प्रभु प्रभु आज तो मारे गए थे, हम तो आप ही के, हम तो सोचते थे आप ही भगवान है, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई भगवान है। बोले हाँ, बोले अरे आज तो वो चारों मार देते हमें, आपने हमें हमारा इंश्योरेंस पेपर भी नहीं दिया, मर गए होते तो हमारे बच्चों का क्या होता, कौन भरण पोषण करता, हम तो आपको ही भगवान कह समझ रहे थे। बोले नहीं 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 नहीं, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम भगवान नहीं, हमसे भी ऊपर भगवान है और हम उनके ही आंखों के इशारे से कार्य करते हैं। मैं ही नहीं, मैं चंद्र इंद्र इत्यादि सब लोग उनके ही इशारों से कार्य करते हैं। किनके? कृष्ण विष्णु के इशारे से। तो जो भगवान सर्व सहमत है, मतलब सर्वसमर्थ है सब कुछ करने में, जो पूरी दुनिया चलाते हैं, सब कुछ जिनके इशारे से ही चलता है, वह भगवान किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? गाय चराने की अनुमति के लिए। ये भगवान की माधुर्य लीला है, मीठा लीला है। भगवान पूरी दुनिया चलाते, अपनी भ्रिकुटी तरेर देते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र इत्यादि कांपने लगते हैं, थर 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 थर। मतलब भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? लेकिन उसी भगवान को गाय चराने के लिए व्रज में क्या करनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन व्रज में गाय चराने के लिए अनुमति, क्योंकि भले ही दुनिया के लोग कृष्ण को भगवान माने, महान माने, अरे तो बहुत बड़ा देवता है, बहुत बड़ा भगवान है, सर्वसम्मत है, ये सब कुछ यही करता है, लेकिन ब्रज में ये तो मेरो लालो है ना। कृष्ण कहते भी हैं, तुम जानते हो मुझसे ही पूरी दुनिया प्रकट हुई है। चल बैठ चुपचाप साइड बैठ। अमरेंद्र प्रभु बहुत सुंदर कहते हैं ना, तुम्हें पता है मेरे मुख में ब्रह्मांड है, तेरे मुख में लड्डू है, लड्डू का। समझ रहे ना? तो भगवान को ब्रज में सब लोग क्या मानते हैं? लाला मानते हैं, मेरा बेटा है, मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। अब ये बच्चा कितना प्यारा है वो तो आने वाले 7 दिनों में आप सुनिएगा क्या क्या इसके कारनामे हैं, ठीक है।